कर दी हरकत कर दी, मतलब दिखा दिया अपना। ये देखो ये लड़का है सर, सर ये लड़का है। हो गया तुम्हारा, अब लौटना बहुत भारी पड़ जाएगा यहाँ से गाइस। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। And this is my third vlog, and in this vlog I came to visit Bharatpur Bird Sanctuary with my friends. Let's start the vlog. Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that. तो हम भरतपुर पहुंच चुके हैं, कार हमने पार्क कर दी है, अब हम टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं टिकट लेने। बर्ड सेंचुरी के अंदर आप चार तरीके से घूम सकते हैं, एक बाय फुट पैदल, दूसरा साइकिल के थ्रू, तीसरा आप रिक्शा बुक कर सकते हैं जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं, चौथा ऑप्शन है टोंगा जिसमें पांच लोग तक बैठ सकते हैं। इन केस अगर आप लोग कैमरा या हैंडी कैमरा वीडियो कैम वगैरह लाना भूल गए हो तो वो भी आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। वेलकम टू केरला डू नेशनल पार्क। हेलो, हाय गाइस, दिस इज केरला डू नेशनल पार्क टिकट काउंटर। आल्सो सो वी रीच द टिकट काउंटर एंड वी हैव परचेस्ड फोर टिकट्स व्हिच कॉस्ट अस ₹126 ईच। This is the place from where we will be taking bikes on the rent. कितना बता रहे हैं? ₹100 सिंगल ट्रैकर, सिंपल ट्रैकर और रेंजर के 150। तो हमने रेंजर बाइक रेंट पे ले ली है जिसका हमें चार्ज लगा है ₹150 सिंगल बाइक का। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इंडिया के टॉप बर्ड सेंचुरी में से एक है और इसको केवला देव गाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आसानी से आप पहुंच सकते हैं मथुरा आगरा या दिल्ली नोएडा के रास्ते से, वहाँ से ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप मथुरा विजिट कर रहे हैं तो आप वन डे का ट्रिप भरतपुर का भी बना सकते हैं। मैं अभी रहा हूँ उसमें कि तुम अपनी तरफ करके चला रहे Here we are showing the limitation we had. So it is always recommended whenever you are going to a bird sanctuary, always carry good lens cameras. Hey! Yay! Here is Harsh. टिकट काउंटर से लगभग आपको 1-1.5 किलोमीटर तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद चेक पॉइंट आएगा और उसके बाद फिर वर्ल्ड सेंचुरी स्टार्ट होगी। तू पकड़ अबे अपने को क्या दिखा रहा है इधर देखा। आफ्टर साइकिलिंग फॉर अराउंड 1.5 किलोमीटर वी रीच द चेक पॉइंट वेयर टिकट्स विल बी चेक्ड। ये हमारी अंकल चेकिंग करते हुए ये हमारी चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है और हम जेन्युइन पाए गए हैं, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। थैंक यू गाइस। हे गाइस, मैं तेरा वीडियो निकाल रहा हूँ पागल। चिड़िया तो ले लो,
Once you clear the checkpoint, then only the real area of the bird sanctuary will start, and you will start seeing lots of birds. ये यहाँ पे चिड़िया ये वाली है चित्रा ओरिएंट हनी बजर्ड. Here we are performing the traditional bird dance of Bharatpur Bird Sanctuary. If you are going to Bharatpur Bird Sanctuary and not performing this ritual, then the trip will not be considered a complete trip. ये अभिषेक ते हुए अपनी वीडियो बना रहा है. यहाँ से और ज्यादा पास से देखने दे साइड से. ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आप बहुत सारे बर्ड्स को देख सकते हैं. कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और वाटर बर्ड्स और हिरण वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं. अब हम भरतपुर लेक की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर हम वॉच टावर के पास गए. वॉच टावर इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी. वहाँ से आपको पूरा बर्ड सेंचुरी दिखाई देगा. हर्षवाई कहाँ रहे ये काम है देख रहा हूँ उसमें. हाँ दिख रहे थोड़ा सा अपना तरफ घुमा लो आप. अब आ रहे सारे. थक गए भाई. हो गया तुम्हारा. अब लौटना बहुत भारी पड़ जाएगा यहाँ से गाइस. क्यों गया? क्यों? क्योंकि अब तक तो आने के लिए इच्छा थी. और ये फोटो लेते हुए चाचा जी. हेलो. बस वी ऑलमोस्ट रीच टुवर्ड्स क्लॉक टावर. And we have reached. तो हम अब भरतपुर बर्ड सेंचुरी के तालाब के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नेचुरल फोटोग्राफर्स मौजूद हैं जो कि एक परफेक्ट शॉट का वेट कर रहे हैं. ये लोग घंटों यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये लोग डक्स की शूटिंग कर रहे हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ. बर्ड सेंचुरी बनने के पहले तक यहाँ पे बर्ड्स का शिकार किया जाता था और इसी लोकेशन पर ये बोर्ड यहाँ पे मौजूद है जिसमें मेंशन्ड है कि किस डेट को कौन से राजा महाराजा ने कितने शिकार किए. यहाँ का हाईएस्ट शूटिंग रिकॉर्ड है 4273 बतखों का जो कि 1938 में लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था. तो हम लोग अब वॉच टावर पहुंच चुके हैं और यहां से आपको पूरा बर्ड सेंचुरी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा. आइए देखते हैं.
ये लोकेशन फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत बेस्ट लोकेशन है, और हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप सनसेट के टाइम पर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं तो बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस जाते समय रास्ते में ये कैंटीन भी पड़ती है जहाँ पर हमने स्टे किया है अभी। चलाओ, आओ हर्ष भाई, अब तुम आगे। हम हो जाती तो वॉच टावर पे फोटोज अच्छे नहीं आते, अब उस सनसेट के टाइम पे एकदम बेहतरीन फोटोज आई है वॉच टावर, वो भी आपको हमारे ब्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगी। कुछ बर्ड्स सनसेट के टाइम पे बहुत ही प्यारे शूट देती हैं, तो ये सारे लोग उन्हीं बर्ड्स को यहाँ पे देख रहे हैं। Cheers guys. कर दी हरकत, कर दी, मतलब दिखा दिया अपना, दिखा दिया। ये देखो ये लड़का है सर, सर ये लड़का है। हरिनगर पना दिखा दिया इसने अपना, वो जूस का डिब्बा थड़कता फेंक दिया। जस्ट क्लैरिफाइंग हेयर गाइज, जो जूस का डिब्बा अभिषेक भाई ने फेंका था वो बाद में जाके उन्होंने पिक भी कर लिया। जब भी हम किसी नेचुरल प्लेस पर जाएं तो हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको प्रदूषित पॉल्यूटेड ना करें। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।